दुनिया भर में 30,000 से भी अधिक सांपों की प्रजाति पाई जाती है। उसमें से लगभग 600 ही प्रजातियां ऐसी हैं जिसके काटने से लोगों की मौत होती है, यानी कि लगभग 600 प्रजाति के सांप ऐसे हैं जिनमें जहर होता है। इन जहरीले सांपों में कई ऐसे सांप हैं जिनके काटने से व्यक्ति की मृत्यु सिर्फ कुछ ही मिनट में हो जाती है। इन खतरनाक जहरीले सांपों में मुख्य रूप से भारतीय कोबरा, क्रेट या अफ्रीकी देशों में पाया जाने वाला ब्लैक मैम्बा इत्यादि हैं। लेकिन इन सभी के बीच दुनिया का सबसे जहरीला इनलैंड ताइपन सांप को माना जाता है। इसमें पाए जाने वाले जहर या उस जहर के कारण किसी की मृत्यु होने में लगे समय के कारण ही इसे सबसे खतरनाक माना गया है। माना जाता है कि अगर इनलैंड ताइपन किसी व्यक्ति को काट ले तो सिर्फ कुछ ही मिनट में उसकी मृत्यु निश्चित है। कुछ मामलों में इंसान अधिक से अधिक 30 से 60 मिनट ही जीवित रह सकता है। इसी कारण ही इसे दुनिया का सबसे खतरनाक सांप कहा गया है। इनलैंड ताइपन को ऑक्सीयूरानस माइक्रोलेपिडोटस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे वेस्टर्न ताइपन, स्मॉल स्केल स्नेक या फियर्स स्नेक इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ये सांप मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है। मध्य ऑस्ट्रेलिया में इसकी संख्या एक समय काफी अच्छी खासी हुआ करती थी। पहली बार इस सांप की खोज 1869 में की गई थी। इसके बाद इस सांप का जिक्र 1882 में भी किया गया। उसके बाद लंबे अध्ययन करने के बाद इस सांप को सबसे खतरनाक घोषित किया गया। 1882 के बाद ये सांप दिखाई नहीं दिया था, लेकिन फिर 1972 में इसे एक बार फिर खोज लिया गया। क्योंकि इसकी संख्या बेहद कम है, फिर भी इस सांप को दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। ये सांप गहरे काले रंग या भूरे रंग के होते हैं। इसकी लंबाई 5 फीट से 9 फीट तक हो सकती है। इनलैंड ताइपन का जहर कितना खतरनाक है और उसके काटने के बाद क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, जानेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए डिस्कवरी दुनिया।